हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे DSSSP के एग्जाम्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी एंड हमारे एग्जाम कब तक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो देखिए, जो भी बच्चा अभी प्रैक्टिस कर रहा है उसमें 3 टाइप्स के हमारे एस्पिरेंट्स होंगे। फर्स्ट तो वो रहेगा जिन्होंने क्या कर लिया होगा, अब तक अपने सिलेबस को कवर कर लिया है। दूसरे टाइप के स्टूडेंट वो होंगे जिसने बिल्कुल भी अभी तक टच नहीं किया, यानी कि उन्होंने सिलेबस अभी तक स्टार्ट किया ही नहीं है। तीसरा स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने क्या किया है, हाफ सिलेबस उनका कवर हो गया है लेकिन हाफ अभी बाकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बच्चे की जिसने इस जो अभी हमारा समय चल रहा है अब तक क्या कर लिया है, सारे सिलेबस को कवर कर लिया है। अब उसके पास टाइम है कि वो क्या करे, प्रिपरेशन करे, रिविजन करे, PYQ करे, मॉक टेस्ट लगाए। तो उस टाइप के बच्चे के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि वो बच्चा अपने आप मेहनत कर रहा है, उसको पता है कैसे हम DSSSP के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता है। आज की हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने या क्या किया, यदि हाफ सिलेबस अपना कवर कर लिया है, या फिर वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी अभी तक अपना सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अपना हाफ सिलेबस कवर कर लिया है। तो सबसे पहले उनको क्या करना है बेटा, देखिए सबसे पहले 5 बातें वो है रहेंगी आज की क्लास में, जिनको आप यदि अपने माइंड में फिट कर लेंगे ना, यदि उसके अकॉर्डिंग आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो DSSSP में आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी लेती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है। अपना टाइम टेबल इस अकॉर्डिंग बनाना है कि आप मई के एंड तक क्या करें कि अपने सारे सिलेबस को कवर कर ले, और जून तक आप क्या कर, जून में क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, PYQ करेंगे। तो आपको स्ट्रेटेजी अपनी ऐसे बनाकर चलनी है कि आपने यही सोचना है कि मई के एंड तक आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आपको सिलेबस को नहीं उठाना है, आपकी पूरी कोशिश करनी है कि आपको अपने सिलेबस को क्या करना है, मई के एंड तक फिनिश करना है। और उसके बाद मई के बाद आपको जून में या जुलाई में जितना भी आपको टाइम मिलता है उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये रहेगी कि आपको अपना टाइम टेबल इस अकॉर्डिंग बनाना है कि आप मई के एंड तक क्या कर सकते हैं, अपने सारे सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है, यानी कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो डेली आपको कुछ ना कुछ टाइम अपने पढ़ने के लिए निकालना है, ठीक है। चाहे आप 2 घंटे निकाले, 6 घंटे निकाले, 8 घंटे लगा लें, लेकिन आपको अपनी स्टडी में कंसिस्टेंसी रखनी है। बीच में बिल्कुल भी स्टडी को रोकना नहीं है। यदि आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाएंगे तो आप बिल्कुल भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या ध्यान में रखना है, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाकर रखना है। देखिए, मान लीजिए आज आपने क्या किया, 6 घंटे के लिए आपने वर्क किया, ठीक है। कल की स्ट्रेटेजी जरूरी नहीं है कि आपका सेम टाइम टेबल आप कल के लिए निकाल सके, क्योंकि मान लीजिए हाउसवाइफ होती है, उनके घर में रिलेटिव्स आ जाते हैं तो उनको भी हैंडल करना होता है, साथ में स्टडी भी करनी होती है। लेकिन आपको क्या करना है, कल के लिए आपका ऐसा टारगेट रखना है जो कि आप 1 या 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ताकि क्या रहेगा कि आप अपने रिलेटिव्स को भी हैंडल कर सकते हैं और साथ में अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। जिस दिन आपको ये लगे कि आज मेरे पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम है तो उस दिन आपको ज़्यादा टारगेट रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टारगेट को अपने को आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है। कोई भी आपके लिए स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता, आप खुद अपने लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपके पास कितना टाइम है, कितना टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस दिन आपके पास ज़्यादा टाइम है उस दिन आप ज़्यादा टारगेट रखें, और जिस दिन आपके पास कम टाइम है उस दिन आप कम टारगेट रखें, लेकिन कंसिस्टेंसी को बनाए रखना जरूरी है। यदि आप कंसिस्टेंसी नहीं बनाकर रखेंगे तो आप बिल्कुल भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, टाइम टेबल ऐसा बनाना है जिसमें कि मई तक आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए। एंड सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी पढ़ाई में। आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना कि आज के दिन को मैं स्किप कर दूं, नहीं, चाहे आप उसमें 1 घंटा पढ़े, 1/2 घंटा पढ़े, लेकिन आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, ठीक है। तो सेकेंड बात हो गई हमारी कंसिस्टेंसी की। थर्ड बात आती है हमारी प्रैक्टिस टेस्ट की। तो प्रैक्टिस टेस्ट आपको कब लगानी है, जब आपका सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। मेरा मानना यही है कि आपको प्रैक्टिस टेस्ट जब लगानी है जब आपका सिलेबस हो जाए। मान लीजिए आपने क्या किया मई तक, मैं आपको पूरा शेड्यूल भी बता रही हूँ साथ के साथ। मान लीजिए आपने मई तक क्या किया, आपने सिलेबस को कवर कर लिया। अब मई के बाद आप 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे। कम से कम आपको 5 या 10 प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। वो आप किसी भी बुक को परचेज कर सकते हैं या ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है अपना खुद का, ठीक है, कि आपने सिलेबस कवर कर लिया, सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, लेकिन अभी भी कमी कहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि एक टेस्ट से आपको कभी भी एनालिसिस नहीं करना है, आपको कम से कम 5 से 10 टेस्ट लगाने हैं, उसके बाद ही आपको एनालाइज करना है।
फिर उससे पता चलेगा कि आपका अभी भी कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, ठीक है। जो एरिया आपका वीक रहेगा अब उसको क्या करना है, आपको दोबारा से पढ़ना है, उसके PVQ करनी है, उसके MCQ करनी है, उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। ये बातें मैं आपको दोनों ही एग्जाम के लिए बता रही, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक है। जो बच्चा TJT एंड PJT की प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी बेटा पेपर 1 में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने होंगे तभी वो पेपर में क्वालिफाई कर पाएगा। सेकंड पेपर में तो फिर भी कम मार्क्स चल जाएंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर में आपको क्या करना है, सबसे अच्छा स्कोर लेकर आना है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि आपको प्रैक्टिस टेस्ट लगाने, सबसे पहले आप क्या करिए, 5 प्रैक्टिस टेस्ट करने के बाद उसके बाद आप अपना एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद जो भी आपके अंदर कमी आई है, जो भी त्रुटियाँ आपके अंदर निकली है, आपको उनको ठीक करना है। जो टॉपिक्स आपके वीक निकले हैं उनको दोबारा से पढ़ना है। दोबारा पढ़ने के बाद आप फिर से क्या करेंगे, फिर से प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे 5 to 10। उसमें आप फिर देखेंगे कि आपकी क्या कमियां निकल रही है, उनको भी पूरा करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस टेस्ट लगानी है। प्रैक्टिस टेस्ट लगाने के बाद अब सबसे बात आती है कि अपनी स्पीड को बढ़ाना है आपको, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। स्पीड रहेगी तभी आप पूरे पेपर को क्या कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर कंप्लीट पेपर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस टेस्ट कर ली, आपने अपनी सारी कमियां थी वो दूर कर ली, अब क्या करेंगे, आप PYQ स्टार्ट करेंगे। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर का एक कंप्लीट पेपर आप लेंगे, कोई भी एक पेपर आपने लिया उस पेपर को पूरा सोल्व करेंगे, टाइम नोट करते चलेंगे कि आपने कितने टाइम पीरियड में इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया है, ठीक है। टाइम बहुत मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस तरीके से आपको उसको सोल्व करना है कि आपको ये सोचना है कि आप एग्जाम में ही बैठे हैं। PYQ आपको कोई भी एक पेपर उठाना है और उसको आपको टाइम नोट करते हुए 3 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि PJT के लिए आपका 3 घंटे का रहेगा, बाकी के लिए 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करें उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको टाइम सेट करना है, उसी टाइमर के अंदर आपको उस PYQ को सोल्व करना है, फिर आपको एनालिसिस करना है कि आपके कितने मार्क्स आए। ये काम आपको PYQ के साथ करना है, मॉक टेस्ट के साथ आप ये काम मत करना, क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल अलग होता है और जो हमारा पेपर आता है वो अलग लेवल का होता है। तो यदि आप मॉक टेस्ट करने लग जाएंगे उसमें आपके मार्क्स नहीं आएंगे, फिर आपको लगेगा कि आपने तो कुछ पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है PYQ के साथ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन बच्चों ने आज तक कोई भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है। तो आपको ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और वो एज इट इज एज वैसा ही रहता है जैसा हमारा डेटा प्रेस भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो जिस बच्चे ने आज तक ऑनलाइन पेपर नहीं दिया, उसको नहीं पता कि भाई कैसे हमारा एग्जाम होता है, कैसे हम स्किप करेंगे क्वेश्चंस को, कैसे नेक्स्ट करेंगे, ये चीज़ें जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप अपने सेटअप से फेमिलियर होंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, वरना फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा एग्जाम में कि कैसे क्या करना है और फिर आपका टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने बताई उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्या किया है, अपना हाफ सिलेबस कवर कर लिया है, ठीक है। यदि आप मेरे अकॉर्डिंग के अनुसार चलेंगे, मेरे तक अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, करने के बाद फिर प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, फिर PYQ लगाएंगे, कंप्लीट पेपर अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे, तो आप 100% गारंटी देती हूँ कि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। ये दोनों ही पेपर के लिए है, पेपर 1 एंड पेपर 2 या फिर टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए। अब बात कर लेते हैं जरा उन बच्चों के लिए जिन्होंने अब तक बिल्कुल भी क्या नहीं किया है, सिलेबस को हाथ भी नहीं लगाया, टच भी नहीं किया है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। आप कई बच्चे पूछ रहे थे क्या मैं 2 महीने में अच्छी तैयारी कर सकता हूँ, 2 महीने में मैं DSSSB में सिलेक्शन ला सकता हूँ। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप हाँ जरूर 2 महीने के अंदर क्या कर सकते हैं, अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं और DSSSB में सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब उसके लिए अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप दिन में 2 घंटे पढ़ेंगे 3 घंटे पढ़ेंगे, नहीं, अब आपको मैक्सिमम 8 to 10 हार्स आपको दिन में निकालना पड़ेगा और उसके साथ आपको क्या करना है, ये सारी चीजें एक साथ लेके चलनी है। उसमें आप स्टेप बाय स्टेप नहीं कर चल सकते। अब आपको क्या करना है, अपना सिलेबस बनाना है, टारगेटेड सिलेबस बनाना है कि आप क्या करेंगे, आपको बनाना है कि जून के मिड तक आप क्या करेंगे, सारा सिलेबस कवर करेंगे। कैसे भी करें वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जून के मिड तक क्या करना है, अपना सारा सिलेबस करना है। मान लीजिए आज आपने एक टॉपिक उठाया, जैसे रीजनिंग में मान लीजिए ब्लड रिलेशन लिया, आपने ब्लड रिलेशन लिया उसके MCQ के लिए। अब उसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस टेस्ट भी लगानी है, उसी के साथ ब्लड रिलेशन की आपको PVQ भी करनी है। यानी कि उस एक टॉपिक को ऐसा कर देना है कि दोबारा आपको उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट की है, पढ़ाई स्टार्ट के लिए,
तो वो बच्चा भी 2 महीने के अंदर सिलेक्शन ला सकता है। आपको क्या करना है, अपना एक ओवरव्यू बना लेना है कि मिड जून तक हमें सारा सिलेबस फिनिश कर देना है। उस टॉपिक के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एमसीक्यू करने हैं, पीवीक्यू करने हैं, ठीक है। साथ के साथ अपने टॉपिक को कंप्लीट कवर करते चलना और जो चीजें याद रखने की होती है उनको एक पेज पर नोट डाउन करते चलो। डेली पढ़ने से पहले उस पेज को रिवाइज करो ताकि वो चीजें आपके माइंड में रहे और वो चीजें आपको याद रहे, ठीक है। और फिर जून के बाद आपको क्या करना है, पीवीक्यू के कंप्लीट एग्जाम पेपर आपको सोल्व करने हैं। यदि आप न्यू कमर हैं तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगानी है। यदि आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आशा करती हूँ आप भी डीएसएसबी में अपनी जगह बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई भी क्यूरी रह जाती है, किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, आपको कुछ जानकारी चाहिए या फिर गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।